हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चोरों को नहीं पकड़ा गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आर्थिक और मानसिक रूप से हो रहा हूँ कमजोर। चोरों को गिरफ्तार नहीं करने के विरोध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन व्यवसायियों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। कपड़ों की गांठे चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद करने की मांग को लेकर पाली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्य सहित पीड़ित ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी को ज्ञापन दिया और ये मांग की जल्द ही चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल वापस दिलवाए। पीड़ित ट्रांसपोर्ट व्यवसाय महेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मेरे यहाँ से करीब 30 लाख से भी ज्यादा की कीमत के कपड़े की गांठे चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई और उसकी सूचना संबंधित ट्रांसपोर्ट थाने में भी मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन उस प्रकरण को 4 महीने हो जाने के बाद भी चोर पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। राठौड़ ने यह भी कहा कि इतनी भारी कीमत की चोरी होने से मेरी आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई है और मानसिक रूप से भी परेशान हो गया हूँ। इसके अलावा 5 से 10 चोरियाँ पूर्व में भी हो चुकी है, लेकिन 5 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और आरोपी चोर बाहर घूम रहे हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए महेंद्र सिंह राठौड़ पीड़ित ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, उन्होंने ये कहा, मेरे यहाँ पे लॉकडाउन के दरमियान चोरी हुई, करीबन 100 गांठ हुई है, जिसकी मैंने एक क्षेत्र एफआईआर दी, बट अभी तक वो इतना आश्वासन दे दिया कि हमको 3 महीने निकाल दिए हैं। चोर आराम से घूम रहे हैं, मेरा व्यापार पूरा ठप हो गया है। करीबन 30-40 लाख रुपये मेरे व्यापारी ने रोक दिए हैं और मेरा माल भी आला जाना बंद हो गया। सिचुएशन में मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। चोर माल बेच के आराम से ऐस मौज कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं और उसको चोरों को नहीं पकड़ के मेरा काम ठप हो गया आर्थिक रूप से भी। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले ट्रांसपोर्ट अगर आना तो हमारे पे झूठा आश्वासन देते हैं, कर देंगे। 10 दिन कहते हैं आपको सुराग मिल गया, 10 दिन बाद में नहीं मिला। इस चक्कर में 3 महीने से पर डे हमेशा पुलिस थाने के लिए चक्कर काट के दुखी हो गए हम। इस चक्कर में मेरा आर्थिक नुकसान होने को लेकर मेरे को कहीं ऐसा गलत डिसीजन ना लेना पड़े जो कि मेरे परिवार के लिए नुकसानदायक हो। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।